देश की उच्च और सर्वोच्च अदालत में जजों की नियुक्ति को कॉलेजियम के जरिए करने को लेकर राज्यसभा में सवाल उठा। बीजेपी से राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने कॉलेजियम सिस्टम पर यह कहते हुए सवाल उठाए कि इस सिस्टम की वजह से कई ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं जो वाकई में हकदार होते हैं। अशोक वाजपेयी ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के दौरान जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद का बोलबाला होने की बात कही। चिट्ठी में कहा गया कि जजों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि अन्य पैमानों के आधार पर होती है। अशोक वाजपेयी ने कहा कि भारतीय संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति करनी है तो इंडियन जुडिशियल कमीशन का गठन होना चाहिए और उसके जरिए ही नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे कि जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद जैसे आरोप ना लग पाए।